बहुत शीर्षस्थ बड़े बड़े लोगों ने सराहा है और अपनी प्रतिभा को निखारा है। इस अवसर पे मैं सभी लोगों को का अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। साहित्य मंच टोडाराय सिंह, जिला टोंक, राजस्थान के तत्वाधान में आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार श्री सूरज सिंह जी नेगी साहब ने टोडाराय सिंह में साहित्य मंच की स्थापना की और साहित्य मंच बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम करा रहा है। उसमें यह कविता प्रतियोगिता कराई गई, इसमें इसमें प्रथम चंचल दाधीच, ये अपना समय कम है तो चंचल दाधीच जुड़ चुकी है, इसका स्वागत है जी और ये अपना हाँ अपना कविता पाठ करें चंचल दाधीच। आप सभी को मेरा नमस्कार एवं सादर प्रणाम। हमारे यहाँ मुख्य अतिथि साहित्यकार एवं कवि श्रीमती प्रतिभा जोशी जी अजमेरा का स्वागत, श्रीमती आशा शर्मा जी बीकानेर का स्वागत, संदीप कुमार जी जैन बनेठा टोंक का स्वागत करती हूँ मैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। तो मैं आज आपको मैथिली शरण गुप्त की एक कविता सुनाना चाहती हूँ। सुनाइए, स्वागत है आपका। माता का मंदिर ये समता का संवाद जहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। भारत माता का मंदिर ये समता का संवाद जहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद विधान यहाँ, सबका स्वागत सबका आदर सबका सम सम्मान यहाँ। राम रहीम ईसा का सुलभ एक सा ध्यान यहाँ, भिन्न भिन्न भव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ। नहीं चाहिए बुद्धि देर की भला सेवाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। सब तीर्थों का एक तीर्थ है हृदय पवित्र बनाने हम, आओ या जा तो शत्रु बन सबको मित्र बना ले हम। रेखा है प्रस्तुत है अपने मन के चित्र बना ले हम, तो सौ आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले हम। बैठो माता के आंगन में नाता भाई बहन का, समझे उसके प्रश्न वेदना वही लाल है माई का। एक साथ मिल बाट लो अपना हर्ष विषाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। मिला शिव का हमें पुजारी, सकल काम उस न्याय का, मुक्ति लाभ करता भी यहाँ है एक एक अनुयायी का। छोटी छोटी कंठों से मिलकर उठे एक जय न्याद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी चंचल दादीज पीपलू जिला टोंक से और इसने तृतीय स्थान प्राप्त किया है, इसको हार्दिक बधाई साहित्य मंच की तरफ से। अब मैं रचना जोश रचना सोनी जी उदयपुर से जुड़ चुकी है। रचना सोनी जी अब आप अपने बहुत अच्छी बात है, रचना सोनी जी जुड़ चुकी है। रचना सोनी अपनी कविता प्रस्तुत करें।
नमस्कार नमस्कार बाबू कौन कौन कर रहा है जी। वरिष्ठ साहित्यकारों कलमकारों को मेरा सादर प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित छोटे आप सभी के सामने मैं बेटी के आत्मसम्मान के एक कविता प्रस्तुत करना चाहूंगी जो इस प्रकार है। मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ, मैं हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं नाद में ही गर्जन हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाथा हूँ, मैं श्रीमद् भगवत गीता हूँ, मैं द्रौपदी मैं सीता हूँ, मैं द्रौपदी मैं सीता हूँ। पुरुषों की इस दुनिया ने मुझको कैसी नियति दिखलाई, पुरुषों की इस दुनिया ने मुझको कैसी नियति दिखलाई, कभी जुए में हार गए कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई, कभी जुए में हार गए कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। कलयुग हो या सतयुग हो इल्जाम मुझी पर आता है, क्यों अंधेरी सड़कों पर जाने से मन घबराता है, मैं डरती हूँ मैं मरती हूँ जब सफर अकेले करती हूँ, डर का साम्राज्य बढ़ता है कोई साया पीछा करता है, मेरी मुट्ठी बन जाती है दिल की जाती है, हे तरल पसीना माथे पर दिल में मेरे घबराहट है, जाने ये किसका साया है जाने ये कैसी आहट है, जाने ये किसका साया है जाने ये किसकी आहट है, अंधेरे में उन हाथों ने मुझको बाहों में भींच लिया, अंधेरे में उन हाथों ने मुझको बाहों में भींच लिया, एक ने मुंह पर हाथ रखा और एक ने आंचल खींच लिया, एक ने मुंह पर हाथ रखा और एक ने आंचल खींच लिया, नारी के सम्मान को मिलकर तार तार सा कर डाला, मर्यादा के आंचल को फिर जार जार सा कर डाला, मारा है मुझको पीटा है बालों से मुझे घसीटा है, फिर बर्बरता की उन सारी सीमाओं को तोड़ दिया, उस घनी अंधेरी सड़कों पर फिर मुझे तड़पता छोड़ दिया, सन्नाटे में चीख रही थी खून से लथपथ हो गया, सन्नाटे में चीख रही थी खून से लथपथ हो गया, सबने तस्वीरें खींची पर कोई मदद को आगे ना आया, कोई मदद को आगे ना आया, कोई मदद करो कोई मदद करो कोई मदद करो, ये चीख चीख कर चीख भी मुझसे रूट गई, होश में आई तो समाज की बातें सुनकर टूट गई, ये होश में आई तो समाज की बातें सुनकर टूट गई। बहुत अच्छा बोल रही हो आप। हाँ एक मिनट बस बोलो बोलो। बहुत अच्छा बोल रही हो, बहुत अच्छा बोल रही हो, धन्यवाद। मैं हमारे साथ जुड़े हैं श्रीमती प्रतिभा जी जोशी अजमेर से, मैं साहित्य मंच टोडा राय सिंह की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूं। प्रतिभा जी जोशी, आप बालिका ने जो कविता प्रस्तुत की इसके बारे में अपने विचार। प्रतिभा जी जोशी सर बहुत अच्छी कविता है, उसके शायद थोड़ा सा बाकी रह गया उसका सर कंप्लीट होने में। हां तो सर हां तो बोलिए बोलिए बेटा बोलिए। होश में आई तो समाज की बातें सुनकर टूट गई, सब भूल जाओ ये लड़के बच ही जाएंगे, तुम लड़की हो ये दुनिया वाले तुम पर ही प्रश्न उठाएंगे, क्यों कोई नहीं था साथ में, क्यों गई अकेली रात में, क्या मेकअप था, क्या गहने थे, क्या छोटे कपड़े पहने थे, इन प्रश्नों की भूल भुलैया में सच्चाई कहीं खो जाती है, सब भूल जाओ कहने वालों क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है, कैसे भूलो उन रातों को मुझको छूते उन हाथों को, उन तकलीफों को उन चीखों को, कैसे भूलो मेरे मन की पीड़ा तो कुछ दिन में, मेरे तन की पीड़ा तो कुछ दिन में ही भर जाएगी, लेकिन मन की पीड़ा तो सारी उम्र सताएगी। सब भूल जाओ कहने वालों ये आखिरी गलती आपकी भी हो सकती है, कल सड़क पर बेसुध बहन या बेटी आपकी भी हो सकती है, और इस एहसास से बढ़कर कोई दर्द नहीं हो सकता है, जो नारी का अपमान करे वो मर्द नहीं हो सकता है। तो आओ प्रण लो मेरे साथ और ये आह्वान करो, अपनी मर्यादाओं को समझो और नारी का सम्मान करो। धन्यवाद। अपनी मर्यादाओं को समझो और नारी का सम्मान करो। बहुत अच्छा। मैं आपको साहित्य मंच की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ दिनेश जैन, और बेटा आप तरक्की करो, हमेशा आगे बढ़ो, यह हमारी शुभकामनाएं हैं। हमारे बीच प्रतिभा जी जोशी अजमेर से जुड़े हैं, ये बालिका उदयपुर से हैं, रचना
सोनी और ये प्रथम आई है सी वर्ग में, तो आप इसके बारे में थोड़ा प्रतिभा जी। सर जो कविता आपने बोली ना नारी पे, बहुत अच्छी बोली, मेरे को तो सर बहुत अच्छा है। मेरे को यही लगता है कि कौन आपने साहित्य मंचन इतना अच्छा दिया बच्चों को, कितनी कॉन्फिडेंस से यहाँ पे बोल सकते हैं, मैं तो नहीं बोल सकती थी उस समय में। और इनफैक्ट आज भी मैं अपनी कविता देख के बोलती हूँ कि नहीं थोड़ा सा कहीं भूल जाऊंगी, तो तुमने बहुत अच्छी बोला बेटा। और लास्ट टाइम जब रचना वहाँ पे हुआ था वो भी बहुत अच्छा हुआ था सर, आपका मंच बहुत अच्छा है, आप इतने अच्छे नव कलाकारों को प्रोत्साहित करते हैं, बच्चा बहुत अच्छा बोल सकते हैं। थैंक यू। मैं अब मनीषा मेघवंशी टोडा राय सिंह से हमारे बीच हैं। दिनेश जी सर नमस्ते। नमस्कार संदीप, नमस्कार आप। हाँ बिल्कुल आप भी जी। सर्वप्रथम तो साहित्यिक मंच टोडा राय सिंह का बहुत बहुत आभार और स्वागत है कि आपने इन नन्ही बालिकाओं को और बच्चों को एक ऐसा अच्छा मंच उपलब्ध करवाया है जिससे इनकी छुपी हुई प्रतिभाओं को एक नया प्रवाह, नई उड़ान मिलने का इनको सो अवसर प्रदान आपने किया। और जिस तरह से बालिकाओं ने और सभी समूह के बच्चों ने जिस तरह से इस काव्य प्रतियोगिता में भाग लिया और पूरे हाव भाव से पूरे जोश के साथ जिस तरह से कविताएं इन्होंने प्रस्तुत की है वो बहुत ही तारीफ के काबिल हैं। निर्णय करना एक अलग मसला हो जाता है प्रतियोगिता में, लेकिन प्रतियोगिता में भाग लेना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अगर हम प्रतियोगिता में भाग लेते तो हमें हमारी कमियों का एहसास भी होता है कि हमने कहाँ पर भूल की है, और इससे आगे के हमारे रास्ते जो होते हैं वो खुलते हैं कि हमें किस तरह से अपने प्रयास और बेहतर करने चाहिए। वैसे सभी बालिकाओं का और बच्चों का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है और सबने अपने अनुरूप अच्छा प्रयास करने का प्रयास किया है, और जो बालिकाएं इस प्रतियोगिताओं में जीत रही हैं उनको बहुत बहुत बधाई। साथ ही जिन प्रतिभागियों ने इसमें सही अपना कोना प्रतिभागिता निभाई है उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं कि आने वाले समय में कभी भी जब कोई प्रतियोगिताएं होती हैं तो वो और बेहतर तरीके से अपनी इन काव्य प्रस्तुतियों को प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगी। और मैं देख रहा हूँ आदरणीय शिवराज जी भाई साहब को, थोड़ा सा मेरा उनसे निवेदन है। आदरणीय शिवराज जी भाई साहब, शायद आपकी बच्ची आपके पास में खड़ी हुई है आदरणीय भाई साहब। हाँ जी सभी का जी, तो सर मैं भी निवेदन करना चाह रहा था कि थोड़ा सा इसको कैमरे को पीछे खिसका ले और बालिका को भी अपने पास बैठाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा, वो भी बहुत अच्छा देख सकेगी। तो आपके पास खड़ी हुई है उसको बैठा ले कृपया, ताकि वो भी इस सुनहरे अवसर का पूरा पूरा लाभ प्राप्त कर सके। तो दिनेश संदीप जी बिल्कुल जारी रखें। मैं संदीप जी से निवेदन करूंगा कि बालिकाएं हैं बहुत है, तो अपन अब इनको सुनना चाहेंगे। जी मैं मनीषा मेघवंशी से आग्रह करूंगा कि वो अपनी प्रस्तुति दे। मनीषा मेघवंशी जुड़ चुकी है क्या? हेलो, हाँ बोलिए बेटा। मनीषा मेघवंशी यदि मनीषा नहीं जुड़ी, अच्छा तो इसके आगे आरती खारोल भीलवाड़ा से हैं। आरती खारोल नमस्कार सभी साहित्यकारों एवं कवियों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आप सभी के सामने अपनी स्वरचित कविता जिसका शीर्षक है नारी आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ, और साथ ही साहित्य को धन्यवाद जो ऐसे अवसर हम सभी छात्र छात्राओं के लिए उपलब्ध कराते हैं जिसमें हम अपनी योग्यताओं को सभी समाज के सामने प्रस्तुत कर पाते हैं। साथ ही मैं अपनी कविता आप सभी को सुनाना चाहती हूँ। नारी हूँ पर कमजोर नहीं, नारी हूँ पर कमजोर नहीं, अबला हूँ पर डरपोक नहीं, अबला हूँ पर डरपोक नहीं। जिस तरह तुमने मुझे बांधा था बेड़ियों से, जिस तरह तुमने मुझे बांधा था बेड़ियों से, एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं तोड़कर इन बेड़ियों को आसमान में उड़ जाऊंगी, हर सपना साकार कर मैं तुम सबको दिखलाऊंगी, तुमने मुझे कमजोर समझा था, मैं बहादुरपन दिखलाऊंगी अपनी हिम्मत मेहनत से, अपनी
हिम्मत मेहनत से ये सारा जग बदल कर मैं तुम्हें दिखलाऊंगी, ये सारा जग बदल कर मैं तुम्हें दिखलाऊंगी। नारी हो पर कमजोर नहीं, नारी हो पर कमजोर नहीं, तुमने मुझे दासी बनाकर रखा था, तुमने मुझे दासी बनाकर रखा था। क्या तुम नहीं जानते उस जाति वाली रानी को, क्या तुम नहीं जानते उस जाति वाली रानी को जिसने तुम्हें आजाद कराने में बड़ी भूमिका निभाई। वही नारी हूँ मैं अभी भी इतना साहस रखती हूँ। मुझे कमजोर मत समझना। तुमने मुझे कमजोर समझा क्योंकि मैंने तुम्हारा विरोध नहीं किया। कमजोर या डरपोक नहीं थी मैं। वो तो मेरी सहनशीलता और धैर्य था जो मैंने सोचा कि तुम एक दिन सुधर जाओगे, नारियों का सम्मान करना सीख जाओगे। लेकिन गलत थी मैं। ए इंसान तेरा अभी वही है हाल। लेकिन अब मैं तुम्हें सिखाऊंगी नारियों का सम्मान करना और उस स्वर्ग को इस धरती पे लाऊंगी। नारियों पर कमजोर नहीं, अबला हूं पर डरपोक नहीं। जय हिंद, धन्यवाद। अबला हूं पर डरपोक नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारी आरती खारोल भीलवाड़ा से। हमारे बीच आशा जी शर्मा बीकानेर से हैं। हम साहित्य मंच टोडा राय सिंह आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और बालिका ने कविता प्रस्तुत की, आप इसके बारे में अपनी समीक्षा करेगी। आशा जी शर्मा, आरती खारोल जी, जी नमस्कार सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए, मुझसे जुड़ने के लिए। और ये बच्चों के वीडियो अभी आरती खारोल का सुना, रचना सोनी का सुना, और ये वीडियो जो मैं देख रही थी जब मुझे निर्णय के लिए भेजे गए थे, तो ये सभी वीडियो इतने मतलब इतने अच्छे थे कि मैं निर्णय नहीं कर पा रही थी कि मैं किसको अच्छा कहूँ। तो मैंने अपने हिसाब से इनको जो मुझे जिस तरह से बताया गया था कि आपको इन इन क्राइटेरिया पे नंबर देने हैं, मैंने अपने हिसाब से नंबर दिए। उसके बावजूद मुझे लगा कि कहीं किसी बच्चे के साथ कुछ गलत नहीं, कुछ अन्याय नहीं हो जाए। हो सकता है कि जैसा मैं सोच रही हूँ कोई दूसरा वैसा सोच रहा है कि नहीं सोच रहा। तो मैंने एक नवाचार किया इसके साथ। मैं विद्युत विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर हूँ और करीबन 40-50 लोग मेरे ऑफिस में काम करते हैं। तो मैंने उनमें से 10-12 जनों को बुलाया और ये वीडियो मैंने उन सबको दिखाए, सातों बच्चों के, और उनसे पूछा कि आपको इसके अंदर मतलब जैसे मैंने इन बच्चों को नंबर दिए, आप भी इन बच्चों को नंबर दो। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि जिस तरह से मैंने जो बच्चों का निर्णय किया था लगभग 19-20 के अंतर पे, वैसा ही जो निर्णय था वो मेरे स्टाफ का भी था और उसके हिसाब से मैंने नंबर दिए। और बच्चों के मतलब हालांकि मैं ये तो नहीं कहूंगी कि जीत हार कोई मायने नहीं रखती, बहुत मायने रखती है, लेकिन फिर भी जो अंतर था बच्चों में वो 19-20 का ही था। और बच्चों से मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, सभी बच्चों से, कि जब भी आप कोई प्रस्तुति दे रहे हैं तो थोड़ा अपने उच्चारण के ऊपर बहुत विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अभी हम बच्चे हैं, अभी जो हमारी आदत बन जाएगी वो हमारी लास्ट तक चलेगी। तो बच्चों से कहना चाहूंगी कि जैसे कई बार हम स और श में फर्क करना भूल जाते हैं, कौन और कौन में करना भूल जाते हैं, और में, मतलब छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखने वाली है, सभी बच्चों से कहना चाहूंगी। दूसरी बात है कि आपका जो आत्मविश्वास है वो बना रहना चाहिए। ये रचना सोनी की कविता में मैंने बहुत स्पष्ट रूप से देखा था कि किस आत्मविश्वास के साथ इन्होंने अपनी रचना पढ़ी थी, और मतलब उसको रचना को एक्चुअली पढ़ नहीं रही थी बल्कि जी रही थी वो। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी अभी हम एक और मैं कहना चाहूंगी कि रचना के में पढ़ते समय समय का थोड़ा विशेष ध्यान रखें। कई बार हम रचना को बहुत लंबा खींच लेते हैं, कई बार रचना बहुत छोटी हो जाती है, तो उसका भी हमारे नंबरिंग से बहुत फर्क पड़ता है। तो ये 2-3 बातें जो मैं बच्चों से कहना चाहूंगी। और एक बात खास से, जैसा रचना ने किया कि जो वो पढ़ रही है उसके भाव उसके चेहरे पर आ रहे थे, तो ये भाव मैं आरती से भी कहना चाहूंगी कि आप जो पढ़ रही हैं वो भाव आपके चेहरे पर भी आने चाहिए। बाकी तो सब आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छा। और एक सबसे लास्ट में मैं कहना चाहूंगी कि मैंने जो परवीन बानो का मैंने वीडियो सुना, मैं उस बच्ची की हिम्मत की दाद देना चाहूंगी। वो हिम्मत ये थी कि उस बच्ची को पता था
कि यहाँ मौलिकता की स्वरचित रचना की कोई अनिवार्यता नहीं है। उसको पता था कि यहाँ बहुत बड़े बड़े नामी गिरामी कवियों की रचना पढ़ी जाएंगी, उसके बावजूद उस बच्ची ने अपनी स्वरचित रचना प्रस्तुत करके जो जोखिम लिया, मैं उसको सैल्यूट करती हूँ, मैं उसकी हिम्मत की दाद देती हूँ। और मैं चाहूंगी कि टोडा राय सिंह जो साहित्य मंच है, इन फ्यूचर भविष्य में कोई स्वरचित रचनाओं इन बच्चों के लिए इस तरह का भी कोई आयोजन करे, जिससे उनकी जो मौलिक प्रतिभा है वो निखर कर आएगी। और फिर से एक बार मैं सूरज सिंह नेगी जी का, कुर्मी जी का, आनंद जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों धन्यवाद, धन्यवाद आशा जी, आपने बहुत बढ़िया बात बताई भाई। अच्छे अच्छे कार्यक्रम आयोजित करते हैं, फिर करेंगे। आपकी सद्भावना रही, आपका सहयोग रहा, तो ये कार्यक्रम होते ही रहेंगे। इस अवसर पे मैं हमारे जो साहित्य मंच के पुरोधा हैं, जिन्होंने इसका निर्माण किया, श्री सूरज सिंह जी नेगी साहब, आजकल एडीएम सवाई माधोपुर हैं, उनके लिए दो पंक्तियां अर्ज करूंगा। एक सूरज सवाई माधोपुर में, एक सूरज नब में, एक सूरज नब में और एक सवाई माधोपुर में आप, वो तम को दूर भगातार, गम को दूर भगाते आप। सूरज सिंह जी नेगी ऐसे व्यक्ति हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, अपने लिए कुछ नहीं करते, दूसरों के लिए जीते हैं, और वही इंसान है जो दूसरों के लिए जीतता है। मैं उनको इस अवसर पर प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम करते हैं, हमें भी करवाते हैं। हमारे बीच देव पायस भीलवाड़ा से हैं। देव पायस जुड़ गए क्या? देव पायस भीलवाड़ा से अपनी रचना प्रस्तुत करें। जुड़ नहीं पाए। अच्छा अच्छा, चलो रीना जाट टोडा राय सिंह से। रीना जी जाट है क्या? नमस्कार नमस्कार रीना जी जाट। पहले तो साहित्य मंच के सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम। मैं आज आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसमें मैं ये बताना चाहती हूँ कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। समुंदर की लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दुबिटिया सिंधु में जब गोताखोर लगाता है, दुबिटिया सिंधु में जब गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते न सहज मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुना उत्साह है किसकी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं संदीप जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि आप अपनी बात बताएं। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और लहरों से डर के नौका पार नहीं होती। संदीप जी भाई साहब स्वागत है आपका। संदीप जी का ऑडियो म्यूट है। हाँ। अच्छा अच्छा, संदीप जी इसको चालू करें। आवाज संदीप जी ऑडियो, अच्छा आवाज नहीं आ रही। हाँ अब आ गई, अब आ गई। हाँ बालिका रीना का बहुत बहुत स्वागत है और मेरी हार्दिक शुभकामनाएं बालिका के साथ जुड़ी हुई है। जिस तरह से बालिका ने अपनी कविता के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और असफलताएं मिलने पर हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि उन असफलताओं से हमें कुछ सीखना चाहिए कि हमें कमी कहाँ पे रह गई, और उन कमियों को दूर करते हुए हमें अपने जीवन के हर क्षेत्र में
प्रतियोगिता में नहीं, शिक्षा में ले लो। हम जिस क्षेत्र में जी रहे हैं मानव जीवन में, हम बहुत सारे क्षेत्रों में कार्य करते हैं, उन सभी क्षेत्रों में हमें हरदम प्रयास करते रहना चाहिए, तभी जाकर के हमें सफलताएं हासिल होगी। जिस तरह से कि आपने उदाहरण दिया अपनी कविता के माध्यम से कि चींटी कई बार दीवार पे चढ़ती है, फिसलती है, गिर जाती है, लेकिन वो अपना जो प्रयास रहती है अंतिम समय तक वो करती रहती है, और एक दिन ऐसा आता है कि वो पूरी दीवार को पार करके अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। इसी तरह से हम जो भी कोई कार्य कर रहे हैं, अगर हमें असफलताएं मिलती हैं तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, हौसला हमारा बना रहना चाहिए, मन में हमें दृढ़ संकल्प रखना चाहिए, और उसी के साथ हमें असफलताओं से ये सीख लेनी चाहिए कि हमारी कमियां क्या रह गई, उन कमियों को ढूंढते हुए हम आगे बढ़ें, तभी जाके हमें एक न एक दिन जरूर सफलताएं मिलेगी, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। और सभी बालिकाओं को पुनः हार्दिक बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी, आपने बताया कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और हमने हमें प्रयास करते रहना चाहिए। हमारे बीच यदि मनीषा मेघवंशी जी जुड़ चुकी हो, मनीषा मेघवंशी मनीषा मेघवंशी जुड़ नहीं पाई है। अच्छा अच्छा, अब मैं परवीन बानो जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी जवाली परवीन जी, परवीन बानो जवाली। शायद ये भी जुड़ नहीं पाई है दिनेश जी सर। अच्छा अच्छा, संदीप जी सर को मौका दो कविता पाठ। संदीप जी हमारे बीच हैं और उत्सुक हैं तो वो अपनी प्रस्तुति दें, तो मैं संदीप जी से निवेदन करता हूँ तो वो अपनी कोई बढ़िया रचना जिससे हमें लाभ मिले प्रस्तुत करें। बहुत 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 धन्यवाद दिनेश जी सर और शिवराज जी भाई साहब, आपने मुझे आदेशित किया है कि मैं कोई अपनी जो अच्छी रचना है बच्चों के लिए प्रेरणादायी जो रचना थी वो रखने का प्रयास कर सकता हूँ। स्वागत है जी जी। अब उन्होंने बुलाना चाहिए जी, जिस तरह से भी बालिका ने कविता प्रस्तुत की थी, आवाज आ पा रही है मेरी? आ रही है, बोलिए। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, इसी तरह से मैंने एक कविता लिखी है जिसको मैंने शीर्षक दिया है जीवन एक संघर्ष है। ये जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव आते रहते हैं और मनुष्य को संघर्ष के साथ जीते हुए आगे बढ़ना पड़ता है और तभी जाकर के उसको सफलता हासिल होती है। तो जीवन एक संघर्ष है कविता में आपके सामने रखने जा रहा हूँ। जीवन राह कभी कठिन बनी कभी सरल अनुगामी, जीवन राह कभी कठिन बनी कभी सरल अनुगामी, कभी सुख कभी दुख कभी मिलता हर्ष है, जीवन एक संघर्ष है। कभी सुख कभी दुख कभी मिलता हर्ष है, जीवन एक संघर्ष है। कभी दीपों से जगमगाती दिवाली, कभी दीपों से जगमगाती दिवाली, कभी होली की हरियाली, कभी बसंत से सुरभित है आंगन, कभी पतझड़ का वर्ष है, जीवन एक संघर्ष है। परमाणु जुड़ कभी अणु हुए, परमाणु जुड़ कभी अणु हुए, अणु बिखर कभी परमाणु हुए, राह के भिखारी बने जो कभी, जिनके महलों में दर्श हैं, जीवन एक संघर्ष है। शरद ऋतु की शीतवात कभी, शरद ऋतु की शीतवात कभी ग्रीष्म काल की तपन बनी, कभी सावन की रिमझिम बूंदों में गुजर जाता वर्ष है, जीवन एक संघर्ष है। कभी झूम कर सावन बरसता, कभी झूम कर सावन बरसता, कभी भूखंड सूखा ही रह जाता,
सागर की लहरों में खेला जो कभी कभी एक बूंद की तरस है, जीवन एक संघर्ष है, जीवन एक संघर्ष है। तो इस तरह से जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव हमारे आते रहते हैं, लेकिन संघर्षों के साथ हमें जीने की आदत डालनी चाहिए और उन संघर्षों में जूझते हुए हमें अपनी सफलता के मार्ग को प्राप्त करना चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। जीवन एक संघर्ष है और हमें हमेशा संघर्षरत रहना चाहिए, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के सुख भी आता है, दुख भी आता है, दिन भी होता है, रात भी होती है, लाभ भी होता है, हानि भी होती है। इस अवसर पे भाई साहब संदीप जी ने बताया कि हमें सहनशील रहते हुए इन सब बातों को सहन करना चाहिए। इस अवसर पे मैं एक प्रसंग निवेदन करूंगा कि भगवान राम जब वनवास जा रहे थे वो जनक जी के पास गए। जनक जी ने कहा कि राम, रात आई है तो दिन भी आएगा, दुख आया है तो सुख भी आएगा, इसलिए वनवास में विचलित मत होना। तो यही बात संदीप जी ने बताई, यही बालिकाओं ने कविताओं में बताई। ये कविता पाठ एक ऐसी विधा है जिससे व्यक्ति सहज रूप से जीवन को आगे बढ़ाता है, अच्छे काम करता है, अच्छी सीख मिलती है। हमारे बीच प्रतिभा जी जोशी अजमेर से हैं, मैं आपसे निवेदन करूं कि आप भी अपनी प्रस्तुति दें, कुछ बात बताएं। आपका स्वागत। सर पहले तो मैं रचना के लिए तारीफ करना चाहूंगी और तीनों की, तीनों ने बहुत अच्छा कहा सर। पर एक एज होती है कि इस क्लास का बच्चा अगली क्लास से थोड़ा उससे आगे वाले क्लास वाला ज्यादा ही बेटर बोलेगा, हर एक एजर अपना एक्सपीरियंस शो करती है। तो सभी की रचना अच्छी थी, सभी की तारीफ करूंगी सर। और मंच पे बोलना ये उनके लिए तारीफ के लिए सबसे ज्यादा उनके लिए तारीफ है कि मंच पे बोले। बहुत प्रस्तुत कर रही हूँ आपके समक्ष। जी जी स्वागत है। मैं इन बच्चों जितनी कॉन्फिडेंट तो नहीं हूँ, मैं तो देखो देख के बोल रही हूँ सर, माफ करना। मेरी कविता का शीर्षक है प्रतिभा देखी प्रतिभा। प्रतिभा देखी आज अपनी प्रतिभा, प्रतिभा देखी आज अपनी प्रतिभा, लिए फरियाद से शक्ति बोले, लाई हूँ प्रश्न, लाई हूँ मैं प्रश्न अनभित अपने, क्यों देखे हर पल तू घड़ियां प्रतिभा, नहीं है एक पल, नहीं है एक पल खास हो मेरे लिए, समय सारणी लिए बैठी तू सबकी, है कहाँ, है कहाँ समय सारणी तेरी अपनी, देख देख खड़ी रहती मैं तेरे दरवाजे, खड़काती थपकाती दरवाजे तेरे, गुमसुम खड़ी तुझको मैं निहारूं, खोल खोल अब तो खोल बट बंद तेरे, मैं प्रतिभा रोज नहीं आती द्वारे, खड़ी हूँ आज कल का कल कल ही जाने, आप थाम ले मुझको, होंगे सब कल सिर्फ मैं न होंगी, होंगे सब कल सब मैं न होंगी, दोष न देना बना बेगाना मुझको, क्यों ना आई मेरी प्रतिभा न कहना, उठ जाग जब तू दरवाजा खोले, मैं सिर्फ मैं ही ना मिलूं तब तुझको। ये मेरी कविता। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद, बहुत अच्छा आपने प्रस्तुत किया। धन्यवाद सर, आपने मुझे भी रचना, मुझे भी मौका दिया यहाँ पे बोलने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत नहीं, आप कोई भी कविता ही नहीं, कोई भी कथानक, कोई भी कहानी, कोई भी किस्सा जिससे बच्चे और सुनने वाले उससे कुछ जीवन में आगे बढ़े, तो ऐसी बात बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहानी कविता, कहानी तो बहुत बड़ी पड़ जाएगी, आपका समय ज्यादा ले लेगी सर। नहीं चलो कोई बात नहीं, मैं दिनेश कुमार जैन, चार पंक्तियां, हमारे जो साहित्य मंच के निर्माता निर्देशक हैं सूरज सिंह जी नेगी, उनके लिए कहना चाहूंगा इस अवसर पे कि सूरज का अपनी किरणों से जब तक ये अनुबंध शेष है, ध्यान दीजिए सभी, सूरज का अपनी किरणों से जब तक ये अनुबंध शेष है, सागर का अपनी लहरों से जब तक ये संबंध शेष है, तितली के पंखों पर जब तक रंगों की बारात शेष है, फूलों के आंचल में जब तक खुशबू की सौगात शेष है, जब तक पनघट पर पनिहारिन घट में बाकी प्यास रहेगी, संध्या के अगर दीप जलेंगे जब तक ये प्रभात रहेगी, जब तक सृष्टि के अधरों पर करुणा का पैगाम रहेगा, तब तक युग की हर धड़कन में श्री सूरज सिंह नेगी का नाम रहेगा। हम गुरु को हमेशा प्रणाम करते हैं, मैं इस रूप में उनको गुरु मानता हूँ, तो उन्होंने एक ऐसे मंच की स्थापना की जो आज प्रगति की ओर है, बच्चों को सिखाने की कोशिश कर रहा है, और ये मंच सिर्फ ये बच्चों से ही संबंधित नहीं है,
यदि सर्दी होती है तो हम पुराने कपड़े लोगों के इकट्ठे करते हैं और जरूरतमंद लोग उनको ले जाते हैं। किसी के भी कोई जरूरत होती है तो हम लोग उसकी अप्रत्यक्ष रूप से मदद करने की कोशिश करते हैं, गायों के लिए पानी की व्यवस्था, वृक्ष लगाना, तो ये सब उन्हीं की देन है। क्योंकि रामचरितमानस में भी लिखा है, चौपाई है, प्रातः काल उठ रघुराई, मात पिता गुरु शीश नवाई। तो हम ऐसे गुरु को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं जिनसे हम इस नेक रस्ते पे हैं। एक छोटा सा कथानक मैंने कल जयपुर में टिपटॉप होटल पैलेस में एक काव्य मंच की बैठक थी, राज्य स्तरीय राष्ट्रीय स्तरीय, तो उसमें श्री जगदीश जी मित्तल ने हमें जो कथानक सुनाया वो मैं सुनाना चाहूंगा, एक मिनट का है। एक बच्चा फूल बेच रहा था, धूप थी, पेड़ जल रहे थे, एक व्यक्ति आया तो उसके फूल की कीमत को ज्यादा बता रहा था, उसके पेड़ जल रहे थे। एक नेक व्यक्ति आया, भला आदमी, उसने देखा कि बच्चे के पेड़ जल रहे हैं तो फटाफट जाके और जूते खरीद लाया और बच्चे को पहना रहा था। तो उस बच्चे ने कहा कि आप भगवान हो क्या? तो उस व्यक्ति ने कहा भाई मैं भगवान नहीं हूं। तो उनके दोस्त होंगे तो हो सकता है। बच्चे ने कहा कि मुझे रात को स्वप्न आया था कि भगवान ने मेरे से कहा कि मैं आऊंगा और तुझे जूते पहनाऊं। तो इस अवसर पे मैं सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि ऐसा कोई भी नेक काम करें जिससे दूसरे को कोई मदद मिले। तो ये छोटे छोटे काम ऐसे हैं जिससे बच्चों को सहारा मिलता है, वो आगे बढ़ते हैं। मैं कोई कवि नहीं था, मैं सबसे पीछे पंक्ति में, तो वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे सहारा मिलता है, आगे बढ़ते हैं। तो सूर्य सिंह जी नेगी हैं, अमीर अहमद सुमन साहब हैं, इनका नाम लेना चाहूँगा, गिरधर सिंह जी प्रिंसिपल साहब हैं जिनके बच्चे प्रतिवर्ष मेरिट में आते हैं। तो ये ऐसे लोग हैं जिनके दिलों में दर्द हैं और ये सबको आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं इस अवसर पर हमारे संयोजक शिवराज जी कुर्मी साहब का भी धन्यवाद करूँगा, तो उन्होंने ऐसे ये लाइव कार्यक्रम कोरोना में बहुत किए हैं। तो इन्होंने शर्म दिया है, समय दिया है, पैसे का भी त्याग करते हैं, जो भी होता है। तो मैं सभी से इस मंच से आग्रह करता हूँ कि किसी भी रूप में ऐसा काम करें जिसे सामने वाले व्यक्ति को कोई मदद मिले, सहारा मिले। ज्यादा समय नहीं लूंगा, हमारे बीच संदीप जी हैं, संदीप जी भी अपनी बात कहें। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और विशेष तौर से काव्य संगोष्ठी कार्यक्रम को आयोजन करने वाले थोड़ा राय सिंह साहित्यिक मंच के सभी पदाधिकारी गण, सम्माननीय शिवराज जी भाई साहब, दिनेश जी एवं पूरी टीम। मैंने ये देखा है कि पूरे टोंक जिले में साहित्यिक प्रतिभाओं को अगर मंच पर लाने का जो भरपूर प्रयास किया जा रहा है वो टोडा राय सिंह क्षेत्र से ही किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत पत्र लेखन प्रतियोगिताएं, काव्य प्रतियोगिताएं, चित्रांकन प्रतियोगिताएं अक्सर समूह में मैं देखता रहता हूँ कि आती रहती हैं। और शिवराज जी भाई साहब तो शायद पूरा समय इन बच्चों के प्रति ही समर्पित करके और एक अच्छे शिक्षक होने की भूमिका भी निभा रहे हैं, साथ में साहित्य जगत में भी ये अपनी अच्छी पहचान बनाते जा रहे हैं, जिससे कि इन प्रतिभाशाली बच्चों को मंच मिल रहा है और इनकी प्रतिभाएं निखर करके इस तरह से सामने आ रही हैं कि आने वाले समय में ये बच्चे देश का जो भविष्य कहलाते हैं, अच्छे साहित्यकार भी बनेंगे, अच्छे नागरिक भी बनेंगे, संस्कारवान विद्यार्थी भी बनेंगे, साथ ही अपनी प्रतिभाओं को आगे ले जाकर स्वरोजगार की ओर भी उन्मुख होने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जिस तरह से आज आधुनिकता के दौर में हम देख रहे हैं कि नौकरियां और रोजगार की काफ़ी कमी होती जा रही है और एक देखने में आता है कि देश में अगर सबसे बड़ी कोई अगर समस्या है तो वो बेरोजगारी की है। तो इन बच्चों की जो प्रतिभाएं हैं उनके माध्यम से जिस तरह की जो चित्र बच्चे बना करके प्रेषित करते हैं, मतलब उनकी कितनी तारीफ की जाए शब्द नहीं मिल पाते कि कितने सुंदर सुंदर चित्र बच्चे बना करके सभी तरह की आर्टिकल्स में, जैसे कि पोएट्री में भी डालते हैं, कैनवास के भी चित्र डालते हैं,
रेखा सिरो के रेखा चित्रांकन भी बच्चे करते हैं, तो बहुत इतने सुंदर सुंदर बच्चे, छोटी छोटी क्लासों के बच्चे जब इन चित्रों को प्रेषित करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि विद्यार्थी जीवन में ही, जैसा कि हम कहते हैं कि कच्ची मिट्टी को जो चाहे वो आकार हम दे सकते हैं, वही प्रयास आज टोडा राय सिंह में किया जा रहा है। और इन सबके परिणेता के रूप में माननीय सूरज सिंह जी नेगी साहब, जितनी उनकी तारीफ की जाए कम है कि उन्होंने जिस हौसले के साथ, जैसा कि अभी दिनेश जी भाई साहब बता रहे थे कि एक प्रशासनिक अधिकारी के पद पे रहते हुए उन्होंने जिस तरह से साहित्यिक मंच प्रदान किया है, और विलुप्त होती हमारी जो साहित्यिक विद्या थी, पत्र लेखन विद्या, जो कि एक तरह से इस आधुनिकता के दौर में मल्टीमीडिया के जमाने में बिल्कुल लुप्त प्राय हो चुकी थी, आदरणीय नेगी साहब ने और उनकी पूरी टीम ने इस पत्र लेखन विद्या को जिस तरह से संभाला है और सही समय पर संभालते हुए जिस तरह से इन्होंने उस पत्र विद्या को आगे बढ़ाते हुए आज जीवन दान प्रदान किया है, मैं तहे दिल से पूरी टीम का, नेगी साहब का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, सम्मान करता हूँ। और जैसा कि मैं भी बच्चों को जानकारी देना चाहूँगा कि अभी एक पत्र लेखन प्रतियोगिता और चल रही है जिसका शीर्षक है बापू का पत्र मेरे नाम, यानी कि हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी वो आज अमर हो चुके हैं, इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी उनको, उन्होंने हमें संबोधित करते हुए पत्र लिखने का प्रयास किया है। तो अगर बापू जिंदा होते तो अगर वो हमें पत्र लिखते तो वो किस तरह से हमें पत्र लिख करके और हमें क्या संदेश देते, वही उस प्रतियोगिता का शीर्षक है। तो जिसपे बहुत सारे साहित्यकार और नवी लेखक कवि गण हैं इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, बच्चे भी चाहें तो इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं और बापू का पत्र मेरे नाम लिख करके सम्मान्य नेगी साहब को प्रेषित कर सकते हैं। उसकी पूरी जानकारी आपको शिवराज जी सर व्हाट्सएप के माध्यम से किस पते पर पत्र भेजना है वो बता पाएंगे। और सभी बालकों को, बालिकाओं को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। बहुत सुंदर संदेश जी साहब। दिनेश जी सर, नेट की प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो मैं संदीप जी सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, साथ ही हमारे और भी जो साहित्यकार हैं, आदरणीय आशा जी सर शर्मा बीकानेर से, प्रतिभा जी जोशी अजमेर से, बहुत बहुत साधुवाद आपका। अब मैं आदरणीय आशा जी शर्मा बीकानेर से आग्रह करूं कि आप भी इस मंच पर अपनी कविता प्रस्तुत करें ताकि स्कूली विद्यार्थी लाभान्वित हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद कुर्मी जी। बच्चों के लिए कविता लिखी थी, बच्चों को समर्पित करना चाहती हूँ। बिल्कुल आप लोगों से एक आह्वान है मेरा, 15 अगस्त आने वाली है और आज जो हमारी टीन एज पीढ़ी है, जैसे आप लोगों को मैं देख रही हूँ 9 से 12 क्लास वाले जो बच्चे हैं वो बिल्कुल एकदम नई पौध है, वो जैसा बदलाव इस देश में लाना चाहती है उसकी शुरुआत उसे ही करनी होगी। तो ऐसी एक छोटी सी कविता है मेरी, आप बच्चों के लिए ही है और मैं चाहती हूँ कि आप उसे सुने और अगर हो सके तो उसको अपने जीवन में उतारें भी। तो कविता का मेरी शीर्षक है तुम नया खून हो। फिर आया दिन आजादी का, नमन शहीदों को करो। फिर आया दिन आजादी का, नमन शहीदों को कर लो, करके उनकी याद शहादत पानी आंखों में भर लो। वो सीमा पर चौकस रहते, वो सीमा पर चौकस रहते, तुमको भीतर रहना है, देशद्रोहियों गद्दारों को किसी हाल ना सहना है। नई पौध तुम नया खून हो, नई पौध तुम नया खून हो, नई इबारत लिख डालो, जो करना है करो आज ही, नहीं उसे कल पर टालो। देखो कैसी हालत हो गई, देखो कैसी हालत हो गई, सश्य श्यामला धरती की,
आग उगलने लगी कभी जो अमृत धारा झरती थी। सोन चिरैया रूठ गई है, सोन चिरैया रूठ गई है, बदहाली के फैले पांव। नगर रो रहे प्रदूषण से, नगर रो रहे प्रदूषण से, लील लिए शहरों ने गांव। वो खेवैया देश नाव के, वो खेवैया देश नाव के, तुम ऐसी पतवार बनो, जात पात मजहब के दलदल पर मोटी दीवार बनो। हरा रंग लो दरगाहों से, हरा रंग लो दरगाहों से, केसर या मंदिर से लो। बहुत खूब, हरा रंग लो दरगाहों से, केसर या मंदिर से लो, श्वेत रंग गिरजा से लेकर प्रगति पथ पर बढ़े चलो। पांचों उंगली रहो साथ में, पांचों उंगली रहो साथ में, मुट्ठी से तन जाओ तुम, दुश्मन आंख उठा ना पाए, वज्र ढाल बन जाओ तुम, दुश्मन आंख उठा ना पाए, वज्र ढाल बन जाओ तुम, नया खून तुम नई इबारत लिख डालो। धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय आशा जी, शानदार कविता पाठन के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। हमारे आज के इस कार्यक्रम में परवीन बानो, देव पायस और मनीषा मेघवंशी किसी कारणवश जुड़ नहीं पाए हैं, शायद वो जुड़ जाएंगे तो हम उनको मौका देंगे। अब मैं हमारे जो स्कूली विद्यार्थी हैं इनमें से अपनी इच्छा से कोई सी भी कविता प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। रचना सोनी, मैं कोरोना पर एक कविता सुनाना चाहती हूँ, स्वरचित है। एक थोड़ा सा एक मिनट याद कर लूँ मैं, वो थोड़ी भूल चुकी हूँ, कॉपी नहीं है मेरे पास। जब तक आपकी एक बार मौका दीजिए बोल दूंगी। आप किसी और को मौका दीजिए। अगला मौका रीना चौधरी, रीना चौधरी को मौका दे रहे हैं। रीना जी, रीना जाट, आपका माइक चालू नहीं है। रीना जी माइक ऑन करो। रीना सॉरी कर लिया। मेरा प्रणाम। मैं आज इस कलयुग में औरतों को लेकर जो भावना चल रही है उसके एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कि बेटे का सम्मान है घर में, बेटी का सम्मान है घर में, बेटी का कोई मान नहीं। हे प्यारे इंसान बता दे, बेटी क्या संतान नहीं, क्या लेकर के आया बेटा, बेटी ने क्या खो दिया। पुत्र जन्म पर गवे बधाई, बेटी देख क्यों रो दिया। हे कलयुग के मानव तेरे मन में क्यों इंसाफ नहीं। हे प्यारे इंसान बता दे, बेटी क्या संतान नहीं। बेटा बेटी एक पेड़ की हो तो होती दोनों डाली है, उनके पालन में कभी भी भेद नहीं करता माली। एक पहिए से चले न गाड़ी, तुझको इसका ज्ञान नहीं। हे प्यारे इंसान बता दे, बेटी क्या संतान नहीं। धन्यवाद सर, बहुत ही बढ़िया। बेटी क्या इंसान नहीं, बेटी क्या, अरे बेटी तो दो कुल की शोभा है बेटा। और ये बातें पुरानी हो गई, आज बेटियां कंधे से कंधा मिला के पूरे परिवार का नाम रोशन कर रही है। बेटी पीहर का भी नाम रोशन करती है, बेटी ससुराल का भी नाम रोशन करती है। हमारे जिले में तो सारे अधिकारी बेटियां, सारी अधिकारी महिलाएं हैं। जिला कलेक्टर महिला है, एसडीओ मैडम महिला है, एसीएम मैडम महिला है। तो मैं तो ये कहूँगा आज पूरे देश का नाम रोशन महिलाओं ने कर रखा है, बेटियों ने। इसलिए सभी बेटियों से मैं इस मंच की तरफ से आह्वान करना चाहूँगा कि ये पुरानी बातें हो चुकी है। आज लड़के गिड़गिड़ाने लगे हैं शादियों के लिए, तो बेटी का बहुत महत्व है। आप अपने आप को स्वाभिमान महसूस करें कि आप बेटी हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये जानता हूँ, सभी पुरुष जानते हैं, जब पिता घर से
पिता कहीं काम से घर में आते हैं तो बेटा मुंह छिपा के बाहर निकल जाता है, और बेटी वो चीज है जो ये पूछती है पापा आपके लिए चाय बना दूं, पापा आपको खाना रख दूं। तो बेटा ऐसी भावना कोई भी महिला इस समय नहीं लाए, क्योंकि बेटियां शान है, आन है, बान है, और महिलाएं तो घर का भी काम कर रही है, बाहर का भी काम कर रही है, डबल शक्ति है महिलाओं में, महिलाएं शक्ति की पुंज है, महिलाएं सब कुछ है, महिलाएं घर की शोभा है। आज यदि आपकी माँ कहीं चली जाती है तो पूरा घर जैसे घर ही नहीं लगता। माँ की ममता से तो बढ़कर नहीं दूसरी माया है, और बेटी दो कुल की शोभा है। मैं कुछ पंक्तियां मैं भी सुनाना चाहूंगा, एक छोटी सी कविता है। पहले क्या होता था कि सारे झगड़े टंटे गांव की चौपाल पे निमट जाते थे, कोर्ट कचहरी में नहीं जाना पड़ता था, सौहार्दपूर्ण माहौल था गाँव का। आज सारे गाँव शहर बन गए हैं, केलू वाले मकान ही नहीं रहे हैं, तो मेरे गांव की चौपालों पर अब वो जमघट नहीं रहा, मेरे गांव की चौपालों पर अब वो जमघट नहीं रहा, ना वो लोग रहे ना चौपाले, ना पहले सा वो गांव रहा, मेरे गांव की चौपालों पर अब वो जमघट नहीं रहा, ना वो लोग रहे ना चौपाले, ना पहले सा वो गांव रहा। भीनी 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 खुशबू वाली अब वो खुरचन नहीं रहा, ना वो लोग रहे ना चौपाले, ना पहले सा वो गांव रहा। पीली पीली चूनर ओढ़े पगली धरती हंसती थी, पीली पीली चूनर ओढ़े पगली धरती हंसती थी, पीली पीली सरसों का अब वो पीलापन नहीं रहा। पहले क्या था, सरसों ही पीले रंग की होती थी, ये बच्चे तो नहीं जानते, आजकल काले रंग की सरसों होती है, पहले पीली होती थी। तो पीली पीली चूनर ओढ़े पगली धरती हंसती थी, पीली पीली सरसों का अब वो पीलापन नहीं रहा, ना वो लोग रहे ना चौपाले, न पहले सा वो गांव रहा, मेरे गांव की चौपालों पर अब वो जमघट नहीं रहा, ना वो लोग रहे ना चौपाले, न पहले सा वो गांव रहा, मेरे गांव की चौपालों पर अब वो जमघट नहीं रहा। चबूतरी पे सारे लोग इकट्ठे हो जाते थे, अड़ोस के पड़ोस के दूर के, और सब दुख दर्द की बातें करते थे। और आज स्थितियां, आज तो शहरों में दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता में आप जानते हो, अजमेर वाले हो, भीलवाड़ा वाले हो, अब सब गाड़ियां ही गाड़ियां, कारों में गए, कारों में भी एसी, हवा भी नकली, पानी भी नकली, कितने दिनों का बोतल का पानी पीते हो, कितने दिन वो हवा एसी से बाहर ही नहीं निकलती और अंदर ही अंदर की हवा लेते हैं। मैं उन बच्चों को सौभाग्यशाली मानता हूँ जो गाँव में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूलों में बहुत निखरे हुए अध्यापक हैं, जो सिलेक्टेड लोग हैं वो सरकारी सेवा में जाते हैं। मैं नहीं कहता प्राइवेट में कमजोर हैं, लेकिन जो कहीं परीक्षाएं देके जाते हैं वो सरकारी स्कूलों में शिक्षक नियुक्त होते हैं। तो मैं कविता की पंक्तियां बोल रहा था। उजले उजले मुखड़ों वाली बउवे छाछ बिलोती थी, उजले उजले मुखड़ों वाली बउवे छाछ बिलोती थी, भीनी भीनी खुशबू वाला अब वो खुरचन नहीं रहा, ना वो लोग रहे ना चौपाले, न पहले सा वो गांव रहा, मेरे गांव की चौपालों पर अब वो जमघट नहीं रहा। सावन की ऋतु आते ही बागों में झूले डलते थे, झूलों की तो बात ही छोड़ो, अब वो सावन नहीं रहा, ना वो लोग रहे ना चौपाले, न पहले सा वो गांव रहा, मेरे गांव की चौपालों पर अब वो जमघट नहीं रहा, ना वो लोग रहे ना चौपाले, न पहले सा वो गांव रहा, मेरे गांव की चौपालों पर अब वो जमघट नहीं रहा। मैं इस मंच से आपसे आग्रह करूंगा, समय समाप्त होने जा रहा है, जिसकी भी इच्छा हो ना बोलने की वो अपनी प्रस्तुति दे, खुला मंच है, सभी को अवसर है, ऐसा नहीं कर, हाँ बोलिए, शुरू हो जाइए, बोलिए। सोचा नहीं था, रचना सोनी, सोचा नहीं था दुनिया में एक समय ऐसा भी आएगा, सोचा नहीं था दुनिया में एक समय ऐसा भी आएगा, मानव सब कुछ छोड़ छाड़ कर घर में बैठा रह जाएगा, मानव सब कुछ छोड़ छाड़ कर घर में बैठा रह जाएगा, बहुत पाप भरा है धरा पर, बहुत पाप भरा है धरा पर, अब खाली करने की बारी है, बचना है तो घर में रह लो, बाहर कोरोना महामारी है, घर से बाहर निकलना तो इतना दूर जाएगा, सोचा नहीं था दुनिया में एक समय ऐसा भी आएगा, सोचा नहीं था दुनिया में
एक समय ऐसा भी आएगा, सारी दुनिया के जीवन पर कोरोना काल बनकर मंडराएगा, शमशान और कब्रिस्तान तो अब शवों के ढेर लगाएगा। क्या होगा आने वाली दुनिया का, क्या होगा आने वाली दुनिया का, यह सोचना हमें पड़ जाएगा। सोचा नहीं था दुनिया में एक समय ऐसा भी आएगा, सोचा नहीं था दुनिया में एक समय ऐसा भी आएगा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रचना सोनी जी ने। कोरोना पे के समय महामारी का चल रहा है, हमें अभी भी मास्क लगा के रहना चाहिए, दूरी बना के रहना चाहिए, हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहना चाहिए, क्योंकि जिन पे गुजरी है वही लोग जानते हैं। समय ऐसा है, हमें साफ सफाई से रहना चाहिए। मैं इस अवसर पे हमारे टोडा राय सिंह की SDM को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, तो उसने बड़ी बखूबी से टोडा राय सिंह को बचाया है। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, ऐसी ऐसी लेडीज है जो अभी दो दिन पहले हमारे साथ गढ़के बालाजी की यात्रा करके आई है, जो बहुत निर्जन स्थान है, बहुत विकट है, और उनकी हिम्मत देखिए आप, अभी अंडर 30 एज है उसकी। और वो मैं हमारे बीच शिवराज जी भाई साहब हैं, वो धन्यवाद स्वरूप अपनी बात कहेंगे, और किसी को अवसर देना हो तो वो प्रदान करें। मैं प्रतिभा जी जोशी से आग्रह करूं कि आप भी इस मंच पर अपनी एक कविता प्रस्तुत करें। जी सर, जरूर जरूर से पेश करूंगी। यथा नाम तथा गुण है आप। सर मेरी कविता है मेरा चांद, मेरे चांद पे मैंने कविता लिखी है। 15 अगस्त आ रहा है सर, लेकिन मैंने 15 अगस्त पे नहीं लिखी है, मैंने तो बरसात को देख के लिखी है अपनी कविता। मेरा चांद, मेरा चांद आ छिपा बादल में, ए बादल तू कहलाए मैं एक दूध, बन जा दूध तू मेरा आज फिर से, कर तू शिकायत चांद से मेरे, छिपा बैठा मुझसे जो तेरे पीछे, न दिखने से जग ये मेरा सुना, रीता मन हर पल ढूंढे उसको, बाट जोए सुखी धरा जल की जैसे, बंदूक का चंदा से मेरे, धरा की है प्रतिभा करी इंतजार तेरा, राह देखे तेरी हर पल कहना, वो छोटा बड़ा बन कलाएं तू दिखाता, लिए गरिमाएं अपनी मैं तो निभाती, कहना दूध तू उस निष्ठुर से मेरे, हूँ आज मैं कल का कल ही जाने, इंतजार बैरी मेरा ना बन जाए कल साथी तेरा, बैरी इंतजार ये मेरा पल सदियां बनाता, सदियां तेरी तो कल ही पहचाने, होंगे सब रीता रहेगा या अकेला तेरा। धन्यवाद। बहुत खूब, धन्यवाद। अब मैं आरती खारोल भीलवाड़ा है कविता का। आरती खारोल सर, मैं अपनी कविता कोरोना पर सुनाना चाहती हूँ। हिम्मत मत हार, ये दिन भी बीत जाएंगे, कोरोना वायरस को हम सब मिलकर हराएंगे, कोरोना वायरस को हम सब मिलकर महा हराएंगे। यह महामारी हुई तो क्या, हम भी इंसान हैं, जो ठान ले वो कर दिखलाए, यही हमारी पहचान है। आज चीन से लेकर भारत तक हर कोई परेशान है, सबर कर, धैर्य रख, इस मुश्किल का हल भी निकलेगा, एक दिन कोरोना वायरस का दम भी निकलेगा। हम मास्क सैनिटाइजर का उपयोग कर और दो गज की दूरी बनाएंगे, कोरोना वायरस को हम सब मिलकर हराएंगे, हाथ न मिलाकर नमस्ते ही करेंगे, कोरोना वायरस से दूर ही रहेंगे। हिम्मत मत हार, ये दिन भी बुरे बीत जाएंगे, कोरोना वायरस को हम सब मिलकर हराएंगे। जय हिंद। धन्यवाद। बहुत अच्छी रचना। अब मैं हमारे कवि संदीप जी जैन साहब से भी आग्रह करूं कि वो भी आज के इस अवसर पर अपने एक और कविता प्रस्तुत करें। सबसे पहले तो बालिका रचना और आरती को मैं
बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इनका जो हौसला है और एक इनमें जो कविता पाठ करने का जो अंदाज है वो बहुत ही निराला है। कि बेखौफ जो कविता पाठ ये दोनों करती हैं बहुत ही अच्छा है। इनका आत्मविश्वास बहुत प्रबल है और ये आत्मविश्वास आप बनाए रखें, आगे बहुत सफल आप होंगी दोनों, मेरी शुभकामनाएं हैं। और जैसा कि शिवराज जी भाई साहब ने मुझे आदेशित किया है कि मैं एक अपनी रचना और प्रस्तुत करूं, और अभी इससे पूर्व नारी शक्ति की बात चल रही थी, बालिका रीना जाट ने शायद वो प्रस्तुत की थी रचना जिसमें उसने नारी शक्ति की बात की थी, लेकिन उनके जो भाव थे वो नारी की तो जैसा कि दिनेश जी सर ने बताया था कि आज किसी भी क्षेत्र में नारी पीछे नहीं है, अपने आप को निर्बल नहीं समझे, वो पुराने दौर की बातें हो चुकी थी जब नारी शक्ति को क्षीण समझा जाता था, अबला कह के पुकारा जाता था। लेकिन कई उदाहरण आज हम वर्तमान में भी देख रहे हैं और भूतकाल में भी, महारानी लक्ष्मीबाई, पन्ना भाई जैसी वीरांगनाओं ने हमारे देश का नाम रोशन किया है, और आने वाले समय में भी नारी शक्ति कंधे से कंधा मिलाकर जिस तरह से आगे बढ़ रही हैं और अपनी प्रतिभाओं को जिस तरह से वो दिखा रही हैं, जैसे कि एक उदाहरण हमारे यहाँ पे देखने को मिल रहा है टोंक जिले में, अधिकतर जो IAS रैंक के पद हैं, उच्च पद जो हैं, SDM से लेकर के कलेक्टर तक के जो पद हैं हमारे टोंक जिले में, तो अधिकतर SDM की पोस्टों पे और CA की CO की जी जी महिलाएं काबिज हैं। कोनियारा तहसील में भी जो SDM साहिबाएं भी रजनी जी मीणाई हैं जो कि SDM पद को सुशोभित कर रही हैं और उनकी बहुत ही अच्छी कार्यशैली है, तो उसी नारी शक्ति को समर्पित नारी सम्मान में मैं अपनी रचना प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसे मैंने 4 जुलाई 2008 को कहा था, तो प्रस्तुत है मेरी रचना। आवाज आप आ रही है मेरी? पक्का नहीं आ रही है जी, थोड़ा ये मॉनिटर को गया था, आवाज आ रही है मेरी? जी जी हाँ आ रही है, स्वागत है, बोलिए जी आ रही है। नारी तुम महान हो, नारी तुम महान हो, किसी पर वरदान हो, शब्द में नहीं है शब्द जिससे तुम्हें कर सके परिभाषित, तुम निभाती हो बखूबी हर किरदार, तुम निभाती हो बखूबी हर किरदार, तुम तो पाओ हर सांस चल जाती हो, माँ बनकर अपनी पोंख से जनती हो अपनी प्रतिछाई हो, तुम्हारी छवि नवी नन्नी छवि और पाँव में बंदी बेल की छमछम देती है घर के उनके कोने कोने में, कभी राखी बनकर चमकती दिखाई देती हो, कभी राखी बनकर के चमकती दिखाई देती हो भाई की कलाई पर, तो कभी दिखाई देती हो पति की हथेली की लकीरों में, बन जाती हो अनजाने घर के लोगों की बहू, बन जाती हो अनजाने घर के लोगों की बहू, और जोड़े रखती हो दो घरों के मान सम्मान को अटूट बंधन में, भोर में चहकती चिड़िया की चहक भी तुम हो, तो संध्या की अंतिम अभिनंदन भी तुम हो, निकलते सूरज के किरणों का प्रथम वंदन भी तुम हो, डूबते सूरज की लालिमा का अंतिम अभिनंदन भी तुम हो, सरस्वती रूपा लक्ष्मी स्वरूपा गंगा यमुना भी तुम हो, वीणा के तारों से सात सुरों का सरगम भी तुम हो, कभी गणगौर बनकर के सज धज जाती हो, कभी गणगौर बनकर के सज धज जाती हो, तो कभी दीपावली के दीपक की ज्योति में नजर आती हो, व्रत उपवास त्योहार तुमसे ही तो जन्म लेते हैं, नारी तुम महान हो, इस धरती पर वरदान हो, अनगिनत किरदार हैं तुम्हारे फिर भी निभा जाती हो तुम बखूबी हर किरदार। संदीप जी बहुत अच्छा आपने प्रस्तुतिकरण किया, हमारे बीच हमारे अध्यक्षता कर रहे हैं राजेंद्र जी विजयवर्गीय, हम इनका 4 पंक्तियों से अभिनंदन करना चाहेंगे।
के शांत है सबाओ हर देश हिंदू सा विशाल, सिर्फ टोडा में ही नहीं पूरे जिले में नाम है। ऐसे राजेंद्र कुमार जी को भावना लिए हुए दिनेश कुमार जैन का सर दे प्रणाम। कि कोई माने या न माने पर मैं तो मानता हूँ आपसे हुआ साहित्य जगत का विस्तार है। कि राग देश आपके निकट नहीं आया कभी, सर्व धर्म के लिए किया सदैव काम है। आज की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे राजेंद्र जी विजयवर्गीय। ये ऐसे व्यक्तित्व हैं जो संघ से जुड़े हुए हैं और संघ का काम सेवा करना है। चाहे पौधे लगाएं, चाहे परिंडा बांधें, चाहे पक्षियों को चुगा डालें, ये ऐसे लोगों से हम शिक्षा लेते हैं, तो ये हमारी सीख है। आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप भी सभी प्रतिभागी जो आज इस काव्य गोष्ठी में जुड़े हैं सभी को धन्यवाद ज्ञापित करें। समय हो चुका है, श्री राजेंद्र जी भी। जी आज जो लाइव हुआ है वो तो साहित्य मंच के प्रदर्शन के द्वारा चल रहा है। साहित्य मंच के प्रोदा डॉक्टर सूर्य सिंह जी नेगी द्वारा जो स्थापना की गई सिंह ने गतिविधियों के तहत की गई है। जो कविता पाठ भी चल रहा है और पत्र लेखन का कार्य हुआ है, सारे कार्यक्रम साहित्य मंच द्वारा हुआ है। आज जो काव्य गोष्ठी का कार्यक्रम हुआ है उसके तहत प्रतिभा जी जोशी और संदीप जी भाई साहब, आशा जी शर्मा, बिटिया सपना सोनी, रीना जाट जो और आरती ने जो प्रस्तुतियाँ दी है बहुत ही सराहनीय है। और इनके लिए आगे के लिए मैं बहुत वो कामना करता हूँ कि आगे बढ़कर के और ज्यादा इसमें प्रोग्रेस करें और अपने भविष्य के लिए इनकी कामना करता हूँ। और आज का जो कार्यक्रम हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच हमारे संयोजक शिवराज जी हैं, शिवराज जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो समापन की घोषणा करें। सबसे पहले तो मैं आप सबका आज के इस काव्य पाठ प्रतियोगिता के तहत हार्दिक स्वागत। आप सबने जो अमूल्य समय निकालकर यहाँ पर प्रस्तुतियां दी, विशेषकर हमारे स्कूली विद्यार्थी, तीन स्कूली विद्यार्थी परवीन बानो, देव पायस और मनीषा मेघवंशी किसी कारणवश से जुड़ नहीं पाए, तो आज के इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि जो रहे हैं आशा जी बीकानेर, प्रतिभा जी जोशी अजमेर, संदीप जी जैन टॉक, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपना अमूल्य समय निकालकर स्कूली विद्यार्थियों के लिए आप उपस्थित रहे। मैं आपका बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। साथ ही आज के इस कार्यक्रम की समापन की मैं घोषणा करता हूँ। जय हिंद। महावीर का मैं कहता है, महावीर का मैं कहता है मन का मेल मिटा डालो, और महावीर का हा कहता है हाय किसी की मत पालो, और महावीर का वी कहता है बनो वीतरागी न्यारे, और महावीर का रह कहता है रमे हृदय में प्रभु प्यारे। महावीर भगवान की जय के साथ आज की ये काव्य गोष्ठी यही समाप्त की जाती है। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, ये बच्चे आगे बढ़े और सभी इनकी शुभकामनाएं हमारे साहित्य मंच की तरफ से। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कल तीज का त्योहार है, सभी महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर सभी का, धन्यवाद। धन्यवाद संदीप जी।